नगर निगम का पहला पेपरलेस बजट सोमवार को महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में निगम के सदन हॉल पर सर्वसहमति से पारित किया गया। इस अवसर पर पारित बजट में प्राप्तियों का अनुमान 39,961.35 लाख तथा व्यय का अनुमान 41,763.60 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। उसके बाद मुख्य बजट वित्तीय वर्ष 2021-22 जिसमें प्राप्तियों का अनुमान 36,824.70 लाख तथा व्यय का अनुमान 39,145.10 लाख का प्रस्ताव सभी कार्यकारिणी सदस्यों के सर्वसहमति से पारित किया गया। महापौर ने बताया कि 127 करोड़ नगर निगम पर लायबिलिटी थी, जो वर्तमान में धीरे धीरे लायबिलिटी को कम करते हुए वर्तमान समय में लगभग 40 करोड़ रुपए है, जिसमें केवल 8 करोड़ की लायबिलिटी निर्माण विभाग में बची है, जिसकी बिल लेखा विभाग में प्रस्तुत है। उस पर सभी सदस्यों ने महापौर के कार्यकुशल नेतृत्व की सराहना करते हुए मेज थपथपाकर स्वागत किया। साथ ही महानगर के प्रत्येक वार्डो में 30-30 लाख रुपए का कार्य नगर निगम निधि से कराए जाने हेतु सभी पार्षद एवं मनोनीत पार्षद को प्रस्ताव लेकर वित्तीय वर्ष 2021-22 में कराए जाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, कार्यकारिणी सदस्य चंद्र प्रकाश सिंह उर्फ गोली सिंह, जियाउल इस्लाम सहित अन्य कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, अच्छी रहे तब खुलेगा। अब आप लोग सुबह से नहीं खुल रहा है, लेकिन जो नंबर दिए हैं इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे माननीय महापौर जी से बैठक की कार्रवाई आरंभ किए जाने की अनुमति चाहता हूँ। प्रारंभ की जा माननीय महापौर जी के अनुमति से बैठक की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। आज यह संशय है कि माननीय महापौर जी के निर्देशन ये पहली बार हो रहा है कि कार्यकारिणी की बैठक पेपरलेस की जा रही है। आप लोगों के फोन पर सारे अभिलेख जो आपके सामने प्रस्तुत किए जाने हैं, जिसमें बजट शामिल है, पिछली कार्रवाई शामिल है, ये आप लोगों के फोन पर भेजा जा चुका है और उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों ने देख लिया होगा। सबसे पहले यद्यपि योजना में अंकित नहीं है, लेकिन माननीय महापौर जी के निर्देशन में सबसे पहले पिछले कार्रवाई की पुष्टि विशेष चर्चा होगी, उसके बाद अप्लाई करना चाहिए। माननीय महापौर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कार्यकारिणी की पिछली बैठक में माननीय उपसभापति जी का निर्वाचन हुआ था और किसी कार्य अथवा किसी योजना के संबंध में कोई निर्देश या आश्वासन नहीं दिया गया था, लिहाजा केवल माननीय उपसभापति जी के चुनाव की कार्रवाई हुई थी। अतएव कार्यकारिणी से अनुरोध है, जो भी चुनाव होगा माननीय उपसभापति जी हमारे बीच बैठे हैं और केवल वही कार्रवाई हुई कार्रवाई उसकी एक औपचारिकता है, इसे पूरी करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। मान कार्य चाहता हूँ श्री आनंद वर्धन सिंह के नाम जो कार्यवृत्ति में दर्ज किया गया है, इन्होंने उपसभापति के लिए प्रस्ताव श्री ऋषि मोहन वर्मा जी के लिए रखा था और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मैंने श्रीमती शकुन मिश्रा का नाम प्रस्तावित किया था। इसमें कहीं भी इंगित नहीं किया गया है कार्यवृत्ति में कि श्रीमती शकुन मिश्रा समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है या दूसरी उम्मीदवार है। केवल 12 में से 8 सदस्य हैं, ऐसे नहीं चलेगा। हमने बोला था कि समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार
श्रीमती शकुन मिश्रा है, इसलिए कार्यवृत्ति को संशोधित करके नई कार्यवृत्ति जारी कर दी जाए ताकि हम लोगों का भी सम्मान, विपक्ष का भी सम्मान रहना चाहिए, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे रहने पर आदमी निर्विवाद रहना चाहता, किसी का पक्ष पर नहीं खड़ा होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें भी इंगित कर लिया जाए कार्यवृत्ति में कि शकुन मिश्रा जी का प्रस्ताव याब इस्लाम साहब ने रखा और ये कार्यवृत्ति में इंगित नहीं है, क्योंकि कार्यवृत्ति आपकी दस्तखत से हस्ताक्षर से जारी होती है, इसलिए इसको संशोधित कर लिया जाए। अब इसके पश्चात पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट का प्रस्तुतिकरण है, बजट आपके स्मार्ट फोन पर जा चुका है। माननीय महापौर की अनुमति से मैं कार्यकारिणी से अनुरोध करना चाहूँगा कि बजट पर यथावश्यक चर्चा करने की कृपा करें। से चाहूँगा कि जब तक जी सर, मैं पुण्यक्षित राय दे के अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ। पुण्यक्षित राय के रूप में 2020-21 में टोटल इनकम 523 करोड़ एस्टिमेटेड की गई है। लाइट जल रही है जी सर, और टोटल व्यय 417 करोड़ रुपए 417 करोड़ 63 लाख रुपए का अनुमानित किया गया। इसी तरह से 2021-22 के आय व्यय अनुमान हैं, जिसमें आय 473 करोड़ 61 लाख रुपए की है और व्यय 391 करोड़ 45 लाख रुपए अनुमानित किया गया। माननीय सदस्य गढ़ भी जानना चाहेंगे और मैं अपने साहब से चाहूँगा कि स्थिति स्पष्ट करें। मैं ये बताना चाहूँगा कि निर्माण के संदर्भ में विशेषकर इस समय लेखा विभाग में लगभग 8 करोड़ रुपए पाए हैं लाइब्रेरी में। कितने के? 8 करोड़ रुपए लगभग 8 करोड़ फाइलें। अब अन्य फाइलें स्वीकृत हो चुकी हैं, कार्य चल रहे हैं, तैयारी हो रही है, कंप्लीट होना है, वो और तो कहा से बोगस हो गया ना, इसको बोगस रखिए। अरे उसके लिए पुनरक्षित बजट का इंतजाम तो सर सिस्टम में है ही। अरे भाई पुनरक्षित आप देखिए ना, आपने रखा है इसमें, पिछली बार भी जीरो आया था, इस बार भी जीरो है, इससे पहले भी जीरो था। हम भी अनुमानित समझ रहे हैं, जब लगातार 3-4 वर्षों तक अनुदान मिल ही नहीं रहा, उसको रखने नहीं चाहिए हम लोग को। एक प्रस्ताव विचारार्थ रखा जा रहा है, वह प्रस्ताव यह है कि मौजा महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 1 की आरआई नंबर 1040 मौके पर आदर्श जूनियर हाई स्कूल के बगल में
परिचित स्थिति में करबला चौक व धोबी घाट परिचित स्थिति में बना है। मौजा महादेव हाँ पढ़ो मौजा महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर ए की आराजी संख्या 1042 में से 1042/1 रकबा 0.020 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1042/2 रकबा 0.008 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1042/2 रकबा 0.008 हेक्टेयर व आराजी संख्या 142/3 रकबा 0.020 हेक्टेयर, आराजी नंबर 142/4/1 0.040 हेक्टेयर संक्रमणीय भूमिधर है जिस पर मकाना आदि बने तथा कुछ भूमि खाली है। मौजा महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर एक की आराजी संख्या 1042/4 रकबा 0.150 हेक्टेयर भीटा संपत्ति नगर निगम व आराजी संख्या 142/5 रकबा 0.028 हेक्टेयर कब्रिस्तान के नाम दर्ज अभिलेख है। 1040/2 रकबा 0.0194 हेक्टेयर व 1042/4 रकबा 0.150 हेक्टेयर भीटा को सेवा भारती गोरखपुरा माधव धाम ज्ञान कुमार राजेंद्र नगर पूर्वी गोरखपुर को एम्स के मरीजों के लिए आवासीय भवन निर्माण हेतु लीज पर किए जाने का प्रस्ताव माननीय कार्यकारिणी के समक्ष विचार प्रस्तुत है। इसमें मौके पर माननीय महापौर जी माननीय नगरायुक्त साहब आपको अपनी बातों से फुर्सत मिलकर जिधर देख लीजिए इनका भौतिक सत्यापन करा लिया जाए और कराने के बाद अगली बैठक पे इस पर चर्चा किया जाए मेरी अपनी राय है। और इसमें अगर कब्रिस्तान की भूमि हो शामिल इसको किनारे कर दिया जाए क्योंकि वह इस देश की बड़ी अल्पसंख्यक आबादी कब्रिस्तानों में ही दफन होती है। आज कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है लंबे अंतराल के बाद और उपसभापति चुने जाने के बाद हम लोगों ने उपसभापति चुने जाने की इस कार्यकारिणी में पुष्टि की है और साथ ही साथ सभी पार्षदों के अनुरोध पर 30 लाख रुपये का काम वोट पंच से कराने की स्वीकृति की गई है। सभी पार्षदों के सहयोग से जो 170 हम लोगों के बोर्ड के आने के पहले 127 करोड़ की लायबिलिटी थी वो घटकर 40 करोड़ रुपए हो गई है। नगर निगम में अपने इस आर्थिक स्थिति को सुधारा है
इसके लिए सभी हमारे पार्षद और अधिकारी बधाई के पात्र हैं। आगे कोरोना काल को देखते हुए बजट पार्षद निधि से कम किया जाएगा, उसे बढ़ाकर 18 लाख से 30 लाख रुपया कर दिया गया है, जो अगले वित्तीय वर्ष में लागू है।